2016 के बाद फिर थोड़े हालात ख़राब रहे वैली के, इस वजह से हम रिवाइव नहीं कर पाए। बट इस साल शुक्र है कि टूरिज़्म वालों ने, स्पेशली जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं अलिया साहब हैं, तो उन्होंने जो है ये इनिशिएटिव लिया। और अब ये प्लान ये है कि विद द हेल्प ऑफ द्रास, जो हमारे वहाँ पे जो पोलो प्लेयर्स हैं वो लोकल जो वहाँ गुरेज के हैं, वहाँ उन लड़कों को वो सिखाएंगे, एंड विद टाइम जो है हमारी अपनी टीम गुरेज की बनेगी, एंड देन दे विल प्ले इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। गुरेज में 47 से पहले वहाँ पे हमारा एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था, जिसपे नॉर्मली जो है वहाँ पे हम खेला करते थे, हमारे जो दादा परदादा थे वो खेला करते थे। बट फिर विद टाइम ये हुआ कि जो पोलो ग्राउंड हमारा गुरेज का था वो जो है कन्वर्ट किया गया इनटू हेलीपैड, और हेलीपैड जब वो बन गया तो उसके बाद खेलने के लिए जो है एवेन्यूज उतने थे नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता नई जनरेशन उन्होंने सीखा भी नहीं, और ये जो है विद टाइम जो है ये डाई डाउन हो गया। गुरेज फेस्टिवल को लेके उतने एक्साइटेड लोग नहीं थे, बट जितना कि पोलो के लेके थे। तो जब पोलो के बारे में बताया गया, एडवर्टीजमेंट हुई कि भाई वहाँ पे पोलो मैच होने वाला है फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एक्साइटेड थे कि भाई हम जो है इस गेम को देखें, जो हमारे पूरे जो हमारे ग्रैंड फादर्स और फादर जो हमारे खेला करते थे, हमारी ज़बान में इसको ठुपे बोलते थे, और वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे गुरेज में, तो बाकी एरिया से भी, और सेंटर जो हमारा अपना गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, वहाँ से भी लोग आते थे। इनफैक्ट ये इतना हिट हो गया था कि आपके यहाँ पे श्रीनगर में एक एरिया है जिसको हम पोलो व्यू और पोलो ग्राउंड के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे भी पोलो ही खेला जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो बड़ा पसंद करते थे इसको। हमें उम्मीद है कि हमारे जो नए जो लड़के जो हैं जो राइडिंग जानते हैं, उनको द्रास से ही टीम आएगी, उनकी एफ़र्ट्स रहेंगे कि इनको गेम्स के रूल्स सिखाए जाएँ, कुछ घोड़े जो है हम वहाँ पे उनको ट्रेन किया जाएगा।